ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एक्चुअली एल्कीन का अल्काइन में ओजोनोलिसिस होता है। हम पढ़ रहे स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, तो हम अभी कल हमने क्या किया था, रिडक्शन ऑफ एल्कीन, जिसमें एल्कीन से एल्केन बनाए थे। आज इसको एक्चुअली ओजोनोलिसिस क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन है, ठीक है। अगर इसको इन शॉर्ट बोला जाए तो ये एल्कीन को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। सो एक हमने पढ़ा रिडक्शन ऑफ एल्कीन, और दूसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन का तो कल मैंने आप लोगों को बताया कि जिसमें हाइड्रोजन या तो जुड़ जाए या ऑक्सीजन खत्म हो जाए, कम हो जाए, उसको रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन उसका जस्ट रिवर्स होगा, या हाइड्रोजन कम हो जाए या ऑक्सीजन बढ़ जाए, यही होता है। तो ओजोनोलिसिस में ओजोन क्या करता है, अगर कोई एल्कीन आप लेते हो, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ओजोनोलिसिस दो टाइप का है, ठीक। ये हमने यहाँ पे डाला ओजोन, O3 हमारा है ओजोन। अगर हम इसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ डाल दें, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने डाल दें जिंक वाटर, ठीक है, जिंक वाटर, ओजोन प्लस जिंक वाटर, या इसके साथ हम डाल दें RSR, इसको एल्काइल मरकेप्टन बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, इसका क्या नाम होता है, देन इट इज कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस तो हो रहा है बट रिडक्शन फेज में, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और इसी का दूसरा पार्ट क्या है, अगर हम इसमें कोई ऐसा रिजेंट डाल दें जो ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीजन जोड़ता है, जैसे ओजोन के साथ H2O2 ले लें या वाटर ले लें, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, इसका क्या नाम होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। सो एक है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और दूसरा क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब इन दोनों में क्या है, तो जब भी आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करिएगा तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, या तो RCHO बनेगा या तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड या कीटोन बनेगी, एकदम फिक्स है, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव में CO2 भी बन सकता है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है और कोई कीटोन भी बन सकता है। ऑक्सीडेटिव में देखो कार्बन में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चल रहा है, यहाँ देखो एक एक ऑक्सीजन है बट यहाँ दो दो ऑक्सीजन है ना। सो हमें देखना है कैसे होगा, ऑक्सीडेटिव होगा तो क्या होगा, रिडक्टिव होगा तो क्या होगा। ये चैप्टर हमें वैसे डिटेल में पढ़ना होता है कहाँ पे, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, बट क्योंकि हमें यहाँ स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है, हमें सिर्फ अभी पढ़ना है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, मतलब ओजोनोलिसिस करा के रिड्यूस करेंगे उसको, ठीक है ना। सो इससे हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। सो अभी मैं आपको बनाने जा रहा हूँ कैसे बनेगा, ठीक। इसका PDF तो आपको मिल ही जाएगा, चाहो तो लिख भी लो, लिख लो लिख लो, ज़्यादा अच्छा है, सभी लोग नोट कर लो बच्चों। सो ऑक्सीडेटिव मीन्स ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, रिडक्टिव मीन्स रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ओजोनोलाइड इज ऑलवेज प्रोड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ओजोनाइड ऑलवेज प्रोड्यूस आइदर CO2 और COOH और कीटोन। सो अब हम लोग डिटेल में देखा जाएगा कैसे कैसे होता है, वन बाई वन सब कुछ बना लीजिए। ये कई जगह आता है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन में आ जाएगा, इसका जब एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तब भी एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, है ना, तो ओजोनोलिसिस का यूज करेंगे। एल्कीन के रिएक्शन में आप पूरा पढ़ोगे, एल्कीन में पूरा ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एल्काइन, बेंजीन का भी ओजोनोलिसिस करते हैं हम लोग। सो कई सारी जगह हैं, हम डिटेल में अभी वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इसको बना लीजिए, H2O2 क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, या हाइड्रोजन परऑक्साइड लो या सीधे वाटर लो, ऑक्सीडाइज ही होगा, ठीक है। सो हम लोग हेडिंग डालेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, हेडिंग डाल लो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, यही हमें पढ़ना है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब अगर कोई हमसे पूछे कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का क्या मीनिंग हुआ है ना, कैसे होता है, फुल मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, अब थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, अब हमको क्या करना है, फुल मैकेनिज्म करना है, कैसे आखिर रिडक्टिव कैसे होता है। तो देखो अभी मैं एक कॉमन रिएक्शन लूँगा, ठीक, कोई स्पेसिफाइड नहीं, कॉमन रिएक्शन है। सो वी आर गोइंग टू यूज हियर इज वन एल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड है, क्लियर है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। हम इसमें डालेंगे ओजोन,
ओजोन, ओजोन रिएक्शन करके बनाता है ओजोनाइड। क्या बनाएगा? ओजोनाइड। ओजोनाइड क्या होता है? एक हाईली अनस्टेबल परऑक्साइड लिंकेज होता है इसमें, ठीक है। ये क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्या बोलते हैं? परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं ना। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ओजोनाइड। इसका क्या नाम है? ओजोनाइड। अब देखो बच्चे, जो ओजोनाइड है ये लो टेम्परेचर पे स्टेबल है, ठीक है ना। लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, लगभग कितना होता है, जीरो से माइनस फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल होगा, और नहीं तो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। क्यों? कि परऑक्साइड्स आर हाईली अनस्टेबल, तो इनकी स्टेबिलिटी इस लो टेम्परेचर पे है। अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो डिकम्पोज कर जाएगा, अपने आप क्या होगा, ये टूट जाएगा। दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। अब ओजोनाइड को क्या करना है? रिड्यूस। अभी मैंने आपको बताया था इसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या रिजेंट था, या तो जिंक वाटर ले लेते थे, है ना, और या तो ये था ना RSR, दोनों में से कोई ले लो। अब देखो कैसे होता है, अगर जिंक लोगे तो जिंक क्या करता है, एक ऑक्सीजन के साथ ही कोऑर्डिनेट हो जाता है, ठीक है। ये जो जिंक है हमारा, ये इसके साथ जाके कोऑर्डिनेट होता है, तो बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ टूट जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ टूटेगा, और ये ऑक्सीजन किसके साथ चला गया, जिंक के साथ। अगर सल्फर वाला लेते तो सल्फर के साथ कोऑर्डिनेट होता, तो एस डबल बॉन्ड ओ बनाता, अभी ZN बना लेगा, ZN ओ बन के निकल गया। हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्यों बोला, इस पूरे ओजोनाइड से एक ऑक्सीजन गायब किया गया ना, तो रिड्यूस ही ना हुआ। अगर इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ देते तो ऑक्सीडाइज, तो जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है उसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ा जाता है, और इसमें एक ऑक्सीजन घटाया गया, तो रिडक्टिव कहेंगे नहीं कहेंगे। अब देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, दिख रहा है, ये बन जाएगा, ये तो कार्बन दो ग्रुप लगा है, सी डबल बॉन्ड ओ, सेम चीज़ यहाँ बना, कार्बन कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ प्लस जेड एन ओ, है ना। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दो मोल ये बन रहा है, देखो प्लस, अगर जिंक लिए हैं तो जेड एन ओ बनेगा, नहीं तो आर एस डबल बॉन्ड आर ये बनेगा। क्लियर कट हो गया एकदम, प्रोडक्ट एल्डिहाइड या कीटोन। अब इस पर हम अगर दोनों एच एच लिए होते तो एक जगह क्या होता है, कीटोन होता, दूसरा एच होता। अब हम वन बाई वन मेनी एल्किन का ओजोनोलिसिस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले स्टेप बना लो कैसे मैकेनिज्म होता है, फिर इसका शॉर्टकट रूट बताते हैं। कभी खीरा काटे हो? खीरा या कहीं देखे हो ना, ज्वाइंट बड़े बड़े पाइप पे जब जाते हैं ज्वाइंट करने के लिए, एक वो लगाया जाता है पुल्ली, दोनों को जोड़ देता है। अभी ओजोनोलिसिस वैसा ही है, एकदम वैसा ही है, सेम टू सेम। बना लो सब लोग, दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड फॉर्मेशन। लोअर टेम्परेचर पे ही ओजोनाइड स्टेबल है, बिकॉज ये परऑक्साइड लिंकेज है। अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो परऑक्साइड लिंकेज अपने आप क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। बन गया, ठीक है। अब चलो वन बाय वन एक एल्कीन चूज करते हैं, कोई भी एल्कीन, ऐसा काटा लड्डू बाटा यही चलेगा, काटेंगे और लड्डू बाटेंगे। नेक्स्ट चलें। सबसे पहले मान लो हमारे पास जो एल्कीन है सबसे छोटा वाला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मान लीजिए आप लोग पास यही एल्कीन है। अब इसमें क्या करोगे, ओजोन आप डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, क्या प्रोडक्ट बनेंगे। देखो क्या करना है, इसको बीचों बीच यहाँ से काट दो, है ना। इसमें तीन लड्डू हैं, एक लड्डू किसका है, जिंक का है, दो बचे तो डबल बॉन्ड के एक इधर दे दो एक इधर दे दो, है ना। दोनों को क्या कर दो, बराबर बराबर बांट दो। तो बराबर बराबर बांटेंगे तो क्या बनेगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच ए बनेगा, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या बनेगा, सेम बनेगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, दो मोल क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है। अब दूसरा एल्कीन लेते हैं, प्रोपीन लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब फिर क्या करना है, सेम यहाँ काटेंगे लड्डू बांटेंगे, लड्डू बांटने में क्या करना है, ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड
वाटर, व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, CH3CHO प्लस एक मोल फॉर्मल्डिहाइड, है ना। तो फर्दर वी आर ऑब्टेनिंग CH3CHO एल्डिहाइड प्लस दूसरा मोल HCHO फॉर्मल्डिहाइड, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो तीसरा CH3CH डबल बॉन्ड CH3, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो सेम प्रोडक्ट देगा, है ना। एक लड्डू इधर दे दो, एक लड्डू इधर दे दो, सेम इसमें भी करना था, सेम इसमें भी करना था, क्या होगा CH3CHO कितने मोल, दो मोल, CH3CHO बन गया दो मोल। अभी एक चीज़ और इम्पोर्टेंट देखो, अगर टर्मिनल पे CH2 था तो एक मोल फॉर्मल्डिहाइड फिक्स है ना, अगर कोई CH ग्रुप है CH3 के बाद CH है, एक हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। एक और रिएक्शन देखो जिससे कीटोन बन जाता है, ठीक है, मान लीजिए हमने यहीं पे ले लिया ये CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और इसको हमने बना दिया एरो पे ओजोन फॉलोड बाय जिंक एंड वाटर। अब देखो ध्यान से देखो, क्या इस कार्बन पर कोई H है, तो जिस कार्बन पर H नहीं होगा वो कीटोन बनाएगा, जिस पे एक H होगा नॉर्मल एल्डिहाइड, और जिस पे दो H होगा वो फॉर्मल्डिहाइड, दिख रहा ना क्लियर क्लियर तीनों में। तो यहाँ हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिला भैया, एक मिला एसीटोन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसीटोन प्लस फॉर्मल्डिहाइड CH2 है प्लस HCH2। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि अगर एल्कीन के टर्मिनल पे CH2 है तो एक मोल फॉर्मल्डिहाइड पक्का है ना, अगर CH है तो एल्डिहाइड पक्का, अगर H नहीं है तो कीटोन पक्का। हमने तीन एग्जांपल दिए, चार एग्जांपल में आप देख सकते हो, है ना, क्लियर है सबको, इसको बना लो। अब क्वेश्चन की बारी आ गई है, जैसे एल्कीन देंगे तो हमसे पूछेंगे कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, जैसे मान लो दो मोल एल्डिहाइड सेम बन गया तो एक ही प्रोडक्ट बना, वो मोल दो है, अगर अलग अलग प्रोडक्ट बना तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट अलग अलग है। सो इसको अभी हम लोग करने वाले हैं और आइडेंटिफाई भी करेंगे कौन सा प्रोडक्ट बना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको प्रॉपर अच्छे से बना के याद रखना है क्योंकि फिर आएगा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर जब पढ़ेंगे हम लोग तब। अलग अलग एल्कीन अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एल्कीन वी आर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, है ना, सब एल्कीन एक ही प्रोडक्ट नहीं देते, अलग अलग एल्कीन जो है हमारे वो अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। अब इसमें स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, तो देखो देंगे कोई एल्कीन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला XYZ है, वो ओजोनोलिसिस करता था एक मोल फॉर्मल्डिहाइड एक मोल एसीटोन बनाता है, एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, तो हमें वहां से रिवर्स लाना है, रिवर्सिंग अभी सिखाऊंगा। बन गया, आगे चले। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, दो तरीके से क्वेश्चन, एक तो सीधा ये एल्कीन ओजोनोलिसिस करेगा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा, दूसरा प्रोडक्ट दिया रहेगा एल्कीन का स्ट्रक्चर बताओ। सो वी हैव अ रिवर्स फेज, तो पहले कौन सा करना चाहेंगे, पहले प्रोडक्ट बनाते हैं फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते हैं, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी
डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल फॉर रिडक्टिव एनालिसिस ऑफ रिडक्टिव एनालिसिस ऑफ गिवन कंपाउंड। ठीक है, हम कंपाउंड दे रहे हैं फिर ऑप्शन देंगे। ये कंपाउंड है, O3 इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH2O। ठीक है, ऑप्शंस देखो, ए में आ गया 5, बी में आ गया 3, सी में आ गया 4 और डी में आ गया 5 ऑलरेडी है ना, 6। आपको चूज़ करना है कि अगर इसका हम ओजोनलिसिस कराएंगे तो कितने डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे अगर मान लो एक ही प्रोडक्ट 2 मोल मिल रहा है तो एक ही काउंट होगा, वो मोल 2 है। सो लेट्स सी एंड लेट मी नो हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। अलग अलग प्रोडक्ट को बताना है, सभी लोग बताएं। करना क्या है, काटना है, लड्डू बांटना है ना। इससे सरल क्या होगा, काटो लड्डू बांटो, जहां डबल वन दिखे काट के ऊपर ऊपर एक लड्डू बांट दो। एक लड्डू फिक्स है, किसका है, वो जिंक का है। तो हम 3 लड्डू में से एक लड्डू ऑलरेडी निकाल कर 2 ही लड्डू बांटेंगे, एक जहां कटेगा ऊपर को, एक जहां कटेगा नीचे को। कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 4 अलग अलग हैं नहीं। मुझे क्यों लग रहा है कि 3 बनेंगे, काटा जाए, एक ये काटो, एक ये काटो, तो दो सेम प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला सेम हो गया और एक ये है ना। 3 कटिंग लगा है, 3 प्रोडक्ट देखो क्या क्या बनेगा। एक तो 2 मोल HCHO बन जाएगा, कैसे, देखो यहाँ CH2 है ना, ये भी CH2 और ये भी क्या है, CH2, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड। 1 मोल यहाँ काटा तो सी डबल बांडो, फिर सी डबल बांडो, ये पूरा ग्रुप सी डबल बांडो यहाँ ऐसे बनेगा। तो 1 मोल हमारा ये कंपाउंड बन रहा है, देखो सी डबल बांडो, फिर सी डबल बांडो, ये नीचे से कटा, यहाँ भी सी डबल बांड, ओ, एक तो ये बना, प्लस 1 मोल क्या बना है, ये वाला एसीटोन। तो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टोटल 4 मोल बने हैं, बट 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड है, कॉमन है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट पूछा ना, पॉसिबल हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, 3 अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन ऐसे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, मतलब कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल व्हेन गिवन कंपाउंड अंडरगो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो कंपाउंड क्या है पहले वो देख लेते हैं, और बोला है कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है ये भी देख लेते हैं। अब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, कौन सा नहीं बनेगा। द फर्स्ट ऑप्शन ए इज एसीटोन, बी इज फॉर्मल्डिहाइड,
बी इज फॉर्मल्डिहाइड एंड सी इज एसिटल्डिहाइड एंड डी इज बेंजल्डिहाइड। देख के बताइए, चार हैं इनमें से अगर इसका हम रिडक्टिव एनालिसिस कराएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है, ये भी सरल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है ना। स्ट्रक्चर बना लो, खुद दिख जाएगा। एसिटाल्डिहाइड CH3CHO है और इसमें कहीं भी CH3CHO नहीं निकलेगा, तो करेक्ट आंसर वही है। नाउ आपको ढूंढना है, देखो इसको कट करते तो PHCHO बनता, PHCHO बेंजल्डिहाइड है तो ये तो आंसर में हो गया। इसको कट करते तो एसीटोन बनता है ना, तो भी आंसर में था, ये भी हमारा बनता। इसको कट करते तो फॉर्मल्डिहाइड बनता, तो फॉर्मल्डिहाइड भी ऑप्शन में था। बचा क्या, अब कोई बचा ही नहीं जिसको कट करने पर बने, है ना। और करेक्ट आंसर इज एसिटाल्डिहाइड। इस रिडक्टिव एनालिसिस से एसिटाल्डिहाइड बनने की संभावना जीरो है, तो इसमें एसिटाल्डिहाइड नहीं बनेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, सेकेंड टाइप डन। थर्ड टाइप पे चले, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा ये है क्वेश्चन 3। एन एल्कीन एक्स, कोई एल्कीन है एक्स है, हमें नहीं पता क्या है वो, ठीक है ना। एक्स अंडरगो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड गिव एसीटोन एंड साइक्लोहेक्सेनोन, एसीटोन एंड साइक्लोहेक्सेनोन, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स। एक्स का स्ट्रक्चर बताइए, ये आपको बताना है। या ऑप्शन में भी दे सकता हूँ, ठीक है ना, ऑप्शन दे देता हूँ, देख लो। अभी मान लो ऑप्शन दे दिया, बट बिना ऑप्शन के भी निकाल सकते हो तुम इसका। ये हो जाए ए, बी, तो एक्स का स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर जो क्या प्रोड्यूस कर दे, एसीटोन प्लस साइक्लोहेक्सेनोन। काट करके देखो, एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या है, एसीटोन हमारा ये है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 एसीटोन है, और साइक्लोहेक्सेनोन क्या है, 6 मेंबर रिंग ये। अब जब इनसे एल्कीन बनाना हो तो क्या करो, जो ऑक्सीजन है दोनों को नाक लेके सटाओ, ऑक्सीजन खींच लो, है ना। तो क्या करना है, दोनों को सटा खींचो, देखो ये आंसर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे बना, इधर देखो, ये डबल बॉन्ड ओ प्लस साइक्लोहेक्सोन का भी ओ हो गया,
क्या करना है, इन दोनों ऑप्शन को निकाल देना है, बना कि नहीं ये वाला सीधा। तो तीसरा मेथड है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, सीधे पूछे जरूरी नहीं है, तीनों तरीके से कैसे भी क्वेश्चन पूछे, अल्टीमेटली हमें आना चाहिए। तुम कैसे पूछोगे, पूछो भाई, एग्जामिनर है जब वो क्वेश्चन सेट करने जाएगा तो वो तो हर तरीके से सेट करेगा ना, कि तुम्हें कहीं फंस जाओ। अब अगर एक रूट रहेगा तो रूट तो सबको याद रहेगा, अलग अलग रूट में हमें पता होना चाहिए, हमें क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब दूंगा क्वेश्चन और, सो ये हो गया हमारा रिडक्टिव रिजन स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। हम इससे एल्किन का स्ट्रक्चर पता लगा पा रहे हैं कि नहीं, एल्किन पता चल जाएगा ना, कौन सा एल्किन होगा कौन सा एल्किन नहीं होगा, तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि एल्किन का स्ट्रक्चर क्या रहा होगा। नेक्स्ट चले, अब एक टफ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, देखो एन देखते कर पाते हो कि नहीं आप लोग। एन एल्कीन बेंजीन नहीं है, ठीक है ना, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, ठीक है, अंडरगो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एंड फॉर्म 3 mole HCHO and 1 mole C3O3 compound, ठीक है, what is the structure of alkene? What is the structure of alkene? उस एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या रहा होगा ये बताना है। ऑप्शंस ए सी देखो इसको अच्छे से है, बहुत आसान, एकदम बस स्ट्रक्चर देखना है, जो बना है उसको देखना है ना। सबसे पहले इसमें क्लू कहीं है, क्या क्लू है, फॉर्मल्डिहाइड कितने मोल बने हैं, 3 mole, तो 3 mole बनाने वाले कितने हैं उसको पहले फाइंड आउट कर लो, COD, बाकी में दो दो बनता, इसमें तो एक को नहीं बनता, ये दोनों तो होंगे ही नहीं। अब इसमें इसमें दूसरा प्रोडक्ट क्या बना है, C3O3 में कितने कार्बन है, इसके रिंग में कितने कार्बन है, इसके रिंग में कितने कार्बन है, तो फॉर्मूला से तो मैच ही नहीं करेगा ना भाई, यहाँ C4 आ जाता फिर पढ़ाया क्या, C3। अब C3O3 का स्ट्रक्चर क्या रहा होगा, अब इसको काट दो, तो काटोगे ओजोनोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा, 1 mole ये बनेगा, ये बनेगा ना, फॉर्मूला देखो मैच कर गया, प्लस 3 mole क्या बना, फॉर्मेलिडिहाइड, तो आसान था कि नहीं था। हमें बस सोचना है कि जो मिला वो और जो दिया गया है वो कौन को रिलेट कर रहा है। अच्छा ये है आप लोगों के लिए कि आप लोग एग्जाम में ऑप्शन क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव आता तो हवा निकल जाता है ना, कई लोगों को पता नहीं चलता क्या करना है, ऑप्शन देख के तो कम से कम इतना कर लेंगे ना, हाँ यार यही वाला होगा, ऐसा ही है। हमने क्या किया, बस सिंपल कॉमन सेंस लगाया, 3 formaldehyde जिसमें मिलेगा उसको किनारे कर लिया, बाकी सबको हटा दिया, अब 3 में से फिर एक और जो दूसरा मिला उसका फॉर्मूला मैच करा लिया, आंसर आ गया।
दिमाग लगाना ही नहीं था। सो कॉमन सेंस यूज करके हम ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड हमें करना ही होगा। हाँ अभी बहुत सारे है, डीपीपी जो देने वाला हूँ, जो है जो तुम भेजे हो ग्रुप ने पीओसी, उसमें है और वो है क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और अभी इसके क्वेश्चन बहुत बल्क में आएंगे जब हम ओजोनलिसिस पढ़ेंगे एल्कीन चैप्टर हाइड्रोकार्बन, ठीक है, बल्क में मिलेंगे। अभी हमें सब सीखना है, क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा सीट में, सफिशियंट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब हमें जो छोटा टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वो भी बता देना, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक हम चलेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। इसका क्या नाम होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं डीबी। तो कहीं डीबी पूछेगा तो या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये दोनों चीज हमारे पास है। इसका तीसरा नाम भी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। पर एक और कहीं पूछ ले हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स क्या होता है, तो यही होता है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। अब इससे सवाल है, इससे क्या आता है, इसका क्या मतलब है, जरा एल्केन का जनरल फॉर्मूला बताओ, CnH2n+2, यही होता है ना। अगर इसमें से हम दो हाइड्रोजन हटा दें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n बनेगा ना। यहाँ से आने में क्या बदला है, इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में आने में क्या बदला है, एल्केन में क्या था, क्यों सिग्मा बॉन्ड, एल्केन में क्या हो गया, एक पाई बॉन्ड आया है ना। अगर इसमें से चार हाइड्रोजन हटा दें -4H, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2, याद है ना एल्काइन का फॉर्मूला है ये। यहाँ क्या बदला, मतलब अगर हम दो हाइड्रोजन कम करते तो एक पाई बॉन्ड आता है, और दो हाइड्रोजन कम करते हैं तो दो पाई बॉन्ड आता है, आया कि नहीं आया। इट सिंपली इंप्लाई किया कि हर दो हाइड्रोजन के लॉस पे एक पाई बॉन्ड का गेन हो रहा है, डबल बॉन्ड के बराबर, यही ना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब कितना अनसैचुरेशन आया, तो एवरी लॉस ऑफ टू हाइड्रोजन विल जनरेट वन पाई बॉन्ड, है ना। बट पाई बॉन्ड ही जरूरी नहीं है, ये एल्कीन का भी फॉर्मूला, साइक्लो एल्केन का भी यही फॉर्मूला है, तो या तो रिंग या तो पाई बॉन्ड, है ना, या तो ये बनाया होगा या तो क्या बनाया होगा, रिंग बनाया होगा। सिमिलरली ये भी या तो ये बनाया होगा या तो कोई रिंग बनाया होगा। सो एवरी लॉस ऑफ टू हाइड्रोजन विल जनरेट वन पाई बॉन्ड और वन रिंग, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो हम बहुत सारे ऐसे रिएक्शन पढ़ेंगे कि एल्केन होगा ऑक्सीडाइज होकर एल्कीन बन गया, एल्काइन बन गया, या कोई साइक्लिक रिंग बन गया, तो ड्यूरिंग दैट फॉर्मेशन हाउ मेनी हाइड्रोजन आर एलिमिनेटेड, ठीक है ना। अभी वन बाय वन आपको समझाता हूं, ये बन गया, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला दिखाते हैं, यह है C6H14, मतलब एल्केन का फॉर्मूला है कि एल्कीन का कि एल्काइन का, एल्केन है, ये क्या है, बेंजीन, ये क्या है, C6H6 बेंजीन है, ये एल्कीन है, और यही बना C6H10, या तो एल्काइन होगा या तो साइक्लिक एल्कीन होगा। अब देखो ये स्ट्रक्चर तीनों को बना देता हूँ मैं,
ये बना बेंजीन, ये क्या बना साइक्लोहेक्सेन, और ये क्या बना साइक्लोहेक्सीन। फॉर्मूला मैच करा यही आएगा, आएगा ना। अब हम देखें ये इसी से ये भी बना है, इससे ये भी बना है, और इसी से ये भी बना है, बना है कि नहीं बना है। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री, बॉन्ड थोड़ा मैं इसको मिटाता हूँ। अच्छा अच्छा सुंदर भी तो लगना जरूरी है। तो अब जरा देखो तो कितने कितने हाइड्रोजन का यहाँ से गायब हुआ है, तो ये बना है। यहाँ से ना 1496 में कितने हाइड्रोजन लॉस हो गए, -8। हर दो पे एक डी यू है, तो चार पे कितना होगा डी यू, आठ पे कितना होगा, चार होगा। इसमें चार डी यू है, कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, कितने रिंग दिख रहे हैं, छह इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा हूँ मैं, पाई बॉन्ड तीन और रिंग कितना है, रिंग कहाँ से तीन है, इसमें पूरा साइकिल एक ही ना साइक्लोहेक्सेन का, तो एक रिंग और तीन पाई बॉन्ड, तो डी यू बराबर कितना हो गया, चार हुआ कि नहीं हुआ, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से यहाँ जाने में कितना हाइड्रोजन का लॉस हुआ, तो कितने डी यू आना चाहिए, है एक रिंग है ना, एक रिंग या पाई बॉन्ड है ना। यहाँ से आने में कितना हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, चार का हुआ है, देखो 14 में से 10 बचा, चार गया ना, कितने डी यू आने चाहिए, कितने हैं, एक पाई बॉन्ड और एक रिंग, तो डी यू बराबर कितना हो गया यहाँ पे, दो। सो हमें क्या दिखा, लॉस ऑफ एवरी टू हाइड्रोजन विल जनरेट वन डी यू, वो डी यू पाई बॉन्ड भी हो सकता है, वो डी यू रिंग भी हो सकता है, या वो डी यू रिंग प्लस पाई बॉन्ड दोनों हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब फॉर्मूला बताऊंगा। तो एक बात तो कसम से समझ में आ गया होगा सबको कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मीनिंग क्या है, जनरेशन ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग फ्रॉम सैचुरेटेड कंपाउंड्स, है कि नहीं। सो फॉर्मूला लिखा दे, फॉर्मूला सारा काम हमारा हो जाएगा। ये बहुत क्लियर कट समझ में आ गया ना सबको, व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। सो अब फॉर्मूले से कैसे डी यू निकालते हैं वो वन बाय वन आपको मैं समझाने वाला हूं। चले आगे। अब देखो दो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। पहला है कि इफ मॉलिक्यूल है ओनली कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इफ मॉलिक्यूल है ओनली कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, तो डी यू का फॉर्मूला क्या होता है, डी यू इज इक्वल टू, कभी डी यू पढ़े तुम लोग इसके पहले, टोटल नंबर ऑफ कार्बन माइनस हाइड्रोजन का आधा, ठीक है, एंड प्लस वन। किसी भी कंपाउंड का डी यू निकाल लोगे, जो तीन कंपाउंड अभी लिखे थे फॉर्मूला दिया था ना, तो फॉर्मूला सेट करके देख लो, आप लोगों को आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से निकाले तुरंत निकल जाएगा। दूसरा है If compound contains contains carbon, hydrogen, oxygen, chlorine, nitrogen, etc. कोई भी हैलोजन कंटेन कर ले, ठीक है ना, कोई भी हैलोजन कंटेन कर ले, तब क्या होगा उसको देखना है। फॉर्मूला देखो, डी यू इक्वल टू सी माइनस H by 2 plus X by 2, ये दोनों घटाए जाएंगे, है ना, हाइड्रोजन X जहाँ पे हैलोजन है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एंड प्लस N by 2 plus 1, जहाँ N क्या है, नाइट्रोजन है, X क्या है, हैलोजन क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है।
सो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, एन नाइट्रोजन है। तो ये दो फॉर्मूले हैं टोटल जिनसे हम किसी कंपाउंड का DO निकाल सकते हैं। ठीक है, DO बराबर क्या होता है? रिंग या तो पाई बॉन्ड या रिंग प्लस पाई बॉन्ड। ठीक, C3O3 जो हम लोग कंपाउंड बनाए थे उसमें DO कितना आएगा? ऐसे रैंडम बताओ। ऑक्सीजन का DO में कोई रोल नहीं होता है ना। C3O3 जो पीछे कंपाउंड बना था ना C3, उसमें कितना DO आएगा? चार आएगा भाई, हाइड्रोजन है नहीं तो C+1 हो जाएगा सीधे, 3+1 4। और देखो रिंग बना के देखो, बनाए थे ना, 3 डबल बॉन्ड थे, एक रिंग था। तो बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, DO निकल जाएगा। ठीक है ना, सो दिस इज ऑल अबाउट डिग्री ऑफ ऑन सैचुरेशन एज वेल एज ओजोनोलिसिस। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? ओजोनोलिसिस से एल्किन का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना, ओजोनोलिसिस के क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, और डिग्री ऑफ ऑन सैचुरेशन कैसे निकालते हैं और क्या मतलब उसका होता है। अब जो प्रैक्टिस सीट है उसमें प्रैक्टिस करो, है ना, जो सीट भेजे हो स्ट्रक्चर उसमें दिया है DO निकालने का, पूरा सब निकाल के कल लेके आओ। ठीक है।